इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। ये भी आए हुए थे ना मेरी बेटी पे। हाँ बोलो क्या है आसिफ, तुम मेरी बेटी पे क्यों जा रहे हो? हाँ आ रही है आपकी आवाज जी। आपने मुझे इतनी माँ पर गालियां दी, मैंने आज तक ऐसे गाली नहीं सुनी थी। मैंने कोई गाली नहीं दी आपको माँ। अच्छा तो आपने मेरी बेटी पे बात कितनी गंदी गाली दी मैम आपने। औरत होकर किसी औरत को गालियां देते हो आप? मेरी बेटी पे क्यों गए तुम जी? तो आपने कहा ना कि शलवार उतारो आगे बढ़ो, तो आप अपनी बेटी को भी बोलो ना। मैं क्यों बोलते हूँ नहीं मैम, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारी बेटी है वो मेरी भी बहन है, मेरा वो मतलब नहीं था। अगर मैं ये आपका इस्लाम सिखाता है आपको? कौन सिखाता है ये? जी मलिच मैम, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि आपने पाकिस्तानी औरतों को बोला कि वो अपनी शलवार उतारें, तो आप ये अपनी फैमिली को भी बोलो ना। हमारे हमारे मुसलमानों को, माँ बहनों को क्यों बोलते हो आप लोग? क्यों नहीं बोलूं? आप लोगों की इज्जत औरतों की शलवार में है, तो मैंने वही बोला था शलवार उतारो। एक लड़की ने, मैंने उस पे बनाया था ये कि एक लड़की ने शलवार के बगैर एक शर्ट पहन ली थी, ठीक है? अब एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, ठीक है ना? मैंने अभी ड्रेस पहना हुआ है, आपको पता नहीं यहाँ से दिखे नहीं, मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है पूरा नीचे तक है, राइट? इट गोज ऑल द वे डाउन हियर। इसके नीचे शलवार नहीं है, इसके नीचे शलवार पहनती ही नहीं है। तो अगर मैंने शलवार कमीज में सिर्फ कमीज पहन ली और शलवार नहीं पहनी, तो उसमें क्या बात होगी? What is the fucking difference? Difference क्या है इसमें? मुझे ये बताओ तुम कि ड्रेस पहन लो छोटा या सिर्फ कमीज पहन लो, What is the difference? जाहिलो, सिर्फ शलवार कहने से उतारने से तुम लोगों के दिमाग में गंद भरा हुआ है। तुम लोगों को सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है, शलवार निकालेंगे तो उनकी ठुकाई ही होगी, बस। ये गंदी जहनीयत है आपकी, समझ में आई ना? सुनो मेरी बात, मैं आप लोगों को बड़ी इज्जत देती हूँ, ठीक है ना? मैंने कभी आपसे ना गंदी बात नहीं की थी। मेरी बेटी पे जाओगे, मेरी फैमिली पे जाओगे, खुदा की कसम, मैं खुदा तो है नहीं, साइंस की कसम, मैंने तुम्हारी फैमिली में किसी को नहीं छोड़ना है। फिर मैंने सबकी शलवारें तो क्या, तो तुम लोगों के कच्छे तो क्या, मैंने तुम लोगों को ना हीरा मंडी में ले जाकर बेचना है। आईना मेरी बेटी के ऊपर बात नहीं करना, समझ में आई ना? चलो निकलो यहाँ से, आ जाते हैं दोनों के दोनों। चलो निकलो दोनों, तुम लोग तुम भी निकलो यहाँ से। एक है हिंदू कट्टर हिंदू है, एक दूसरे तुम्हें वो क्या कहते हैं इस्लाम के डिफेंस। देख लीजिए आप, दोनों एक ही है। नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू, देयर इज नो डिफरेंस। ये हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों ही घटिया एक नंबर के, दोनों नो डिफरेंस। फिर कहते हैं, ये कहते हैं हमको उनसे कंपेयर नहीं करो, ये कहते हैं हमको उनसे कंपेयर नहीं करो। आप लोग एक ही सिक्के के ना दो डिफरेंट वो चीजें हैं, दो साइड्स हैं, दैट्स ऑल। तो मेरे बेटी के ऊपर जाओगे ना, मेरा बड़ा बेबी से बोलती, मैं बहुत बुरा बोलूंगी, मेरे मुंह पे ना सेंसर नहीं है, आई हैव नो सेंसर। मुझसे बुरी बात करोगे मैं उसी लैंग्वेज में जवाब दूंगी, डोंट थिंक मैं वीक हूं। मेरी बेटी पे जाओगे ना, मैं तुम्हारी सारे औरतें मर्द सबकी मर्दों की ना गांड में चार चार डिल्डोज जलवा कर ना हलक से निकलवाऊंगी। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।